मलयालम मूवीज हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। ये बस मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि कई फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। Today if I am envious of anyone, it is the Malayalam writers and actors. Always, because I am a great fan and I have trained in Malayalam cinema. Matuvin chattangale. 2023 में कई मेनस्ट्रीम मूवीज ने करोड़ों रुपए कमाए, पर इनमें से ऑलमोस्ट सारी मूवीज एक्शन मूवीज थी। और ये मूवीज बनाई गई एक मेल स्टार के अराउंड। पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से हमें ऐसी मूवीज देखने को मिली जो बहुत अलग थी। ഞാനങ്ങനെ അധികം ആരോടും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല। ये है मलयालम स्टार मम्मूटी की एक रीसेंट फिल्म कादल, जहां मम्मूटी एक गे आदमी का किरदार निभाते हैं जो 20 साल से एक शादी में फंसे हुए हैं। इस फिल्म ने गे आदमी की जिंदगी और उनकी सोसाइटल प्रॉब्लम्स को बहुत बखूबी दिखाया है। बिना एक्शन और लार्जर देन लाइफ होने के बावजूद इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बड़ा सुपर और यही खास बात है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। कुंबलंगी नाइट्स में भी ऐसी यूनिक चीज दिखी, जहां मूवी में मानो कोई हीरो है ही नहीं। इस मूवी में ना कोई धमाकेदार एंट्री है और ना मैस्कुलिन डायलॉग्स, पर इसके बावजूद फहद फासिल ने एक ऐसा कैरेक्टर निभाया जिसकी टॉक्सिक मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं। शामी हीरो ना हीरो। तो ऐसी खास बात क्या है उधर की ऑडियंस और उधर की मूवीज में, जहाँ ऐसी सेंसिटिव फिल्म्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। വാലിയത്ത് പറമ്പിൽ ചോറി മകൻ വാവച്ചമ്മേശ്വരി यह है ई मा यो, एक फिल्म जो केरला के कोस्टल गांव में बसी हुई है। इनफैक्ट मोस्ट मलयालम मूवीज एक रूरल और सेमी अर्बन बैकग्राउंड में लोकेटेड होती है। फॉर्मैक्स मीडिया ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की 200 फिल्म्स पर रिसर्च करी और पाया कि 30% मलयालम मूवीज एक अर्बन सेटिंग में होती है, जबकि ये नंबर तमिल, तेलुगु और कन्नडा फिल्म्स में 60% है। पर बात बस लोकेशन की नहीं है, बात ये भी है कि मलयालम फिल्म्स में साधारण लोगों की साधारण मुद्दों के बारे में बात हो रही है। तुमने वो प्रपोजल सीना कुड़चटना इल्ला बच्चा। कई मूवीज या वायलेंस और मर्डर्स भी दिखाए जा रहे हैं वो गांव वालों के पर्सपेक्टिव से ही दिखाए जा रहे हैं। फहद फासिल की जोजी फिल्म एक फैमिली के अंदर क्राइम को एक्सप्लोर करती है, पर वो भी एक रूरल सेटिंग में। ऐसी सेटिंग्स की वजह से ये मूवीज बहुत रिलेटेबल हो जाती हैं और ये मूवीज कैपिटलाइज कर पाती हैं मलयालीज की रीजनल आइडेंटिटी पर। ओमैक्स की स्टडी ने दिखाया कि करीब 46% मलयालम फिल्म्स रीजनल आइडेंटिटी के बारे में है, जबकि ये नंबर तमिल और तेलुगु फिल्म्स के लिए 32% है और कनाडा फिल्म्स के लिए बस 8%। जैसे सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया मूवी एक मलयाली फुटबॉल मैनेजर की कहानी है जो नाइजीरियंस को रिक्रूट करता है अपनी लोकल टीम के लिए। इस मूवी में रीजनल आइडेंटिटी क्या है? केरला का फुटबॉल की तरफ फैसिनेशन। ऐसी मूवीज केरला से बाहर रह रहे मलयाली लोगों को अपने गांव और घरों के बारे में याद दिलाती है। केरला में स्टेट छोड़कर माइग्रेट करना बहुत आम बात है काम के लिए, जो एक बड़ा सोशल और इकोनॉमिक इशू भी बन रहा है उधर। कई मलयालीज बाहर पढ़ने जा रहे हैं और कई मिडिल ईस्ट जा रहे हैं काम करने के लिए। ये ट्रेंड अब बढ़ ही रहा है केरला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। इनफैक्ट 2022 में 7.5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया छोड़कर गए थे अपनी एजुकेशन के लिए। पर कई अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब घर पे भी वो अपॉर्चुनिटीज यूज कर सकते हैं। आजकल कई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोग AI से डरे हुए हैं, पर डरने की बजाय आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है स्टूडेंट्स को जनवरी में। ये ऑफर उनके प्लेटफॉर्म में हर कोर्स के लिए है कि अगर आप उनका 90% कोर्स 90 दिनों में कंप्लीट करोगे तो आपको 90% रिफंड मिलेगा। अगर आप एक बिगनर हो तो उनका कोडिंग फॉर एवरीवन कोर्स ट्राई करो। गीक्स फॉर गीक्स बिगनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज ऑफर करती हैं, तो आप किसी भी लर्निंग स्टेज में हो आपके लिए एक कोर्स है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गीक्स और गीक्स को चेकआउट करो ताकि आपको भी 90% रिफंड मिल सके। इधर खेल पैसों का नहीं है बल्कि आपके मोटिवेशन का है। मलयालम मूवीज में लोकेशन के अलावा कैरेक्टर्स भी बहुत डिफरेंट है। होम में मेन कैरेक्टर एक रिटायर्ड पिताजी है जो आज की सोशल मीडिया को यूज करने से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री रिलेटेबल मूवीज बनाती ही नहीं है। हाल ही में 3 of Us 12th Fail में रिलेटेबल कैरेक्टर्स थे, पर फर्क यह है कि ये मूवीज डिफरेंट है, ये मेनस्ट्रीम नहीं है। जबकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी मूवीज मानो मेनस्ट्रीम बन गई है। और मैक्स की स्टडी ने दिखाया कि मलयालम फिल्म्स में 62% कैरेक्टर्स मिडिल क्लास है और 20% गरीब, जबकि दूसरी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अमीर कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट मलयालम फिल्म से कई ज्यादा है। ये चीज हम मेन कैरेक्टर्स की एंट्री में
में भी देख सकते हैं। बस 28% मलयालम फिल्म्स में एक लार्जर देन लाइफ एंट्री हमें देखने को मिलती है, जो मानो एक एक्सपेक्टेशन बन गई है बॉलीवुड फिल्म से। तमिल और कन्नड़ा मूवीज में 50% से ज्यादा मेन कैरेक्टर्स की एंट्री ऐसी होती है। आई एम द डेविल। अब हमें ये तो समझ आ गया कि मलयालम फिल्म्स में यूनिक क्या है, पर ऐसा क्यों है कि ऐसी फिल्म्स मलयालम इंडस्ट्री में कमर्शियली सक्सेसफुल हैं, जबकि तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लार्जर देन लाइफ फिल्म्स ही कमर्शियल सक्सेस हो पाती है। पहला कारण है कि मलयालम फिल्म्स को बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियोज नहीं बल्कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसियर्स बना रहे हैं। जहां बॉलीवुड, तमिल और तेलुगु फिल्म्स का बजट 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, मलयालम फिल्म्स की कहानी बहुत अलग है। जैसे जियो बेबी की द ग्रेट इंडियन किचन को इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस किया था बस 2 करोड़ के बजट से। कई फिल्म मेकर्स मानते हैं कि मलयालम फिल्म्स इतनी अच्छी हैं छोटे बजट के बावजूद नहीं बल्कि छोटे बजट की वजह से। सी यू सून एक लो बजट फिल्म थी जो पैंडेमिक के दौरान बनी और इस पूरी मूवी को आईफोन से बनाया गया कास्ट के घरों में। मुकेश मेहता, जो मलयालम फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी E4 एंटरटेनमेंट से हैं, वो कहते हैं कि हमारी फिल्म्स में अनकन्वेंशनल थीम्स हमारे लो बजट से ही आते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप एक्शन नहीं कर सकते, इसी वजह से आपको कहानी और ह्यूमर से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना पड़ता है। पर कॉर्पोरेट्स है क्यों नहीं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में? एक मेजर कारण है कि ये फिल्म इंडस्ट्री का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की व्यूअरशिप कम है, इसलिए किसी कॉर्पोरेट के लिए इंसेंटिव ही नहीं है इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का। जबकि तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की ऑडियंस बहुत बड़ी है और इसी वजह से उधर कई कॉर्पोरेट्स काम कर रही है। क्योंकि बजट कम है इसलिए मलयालम फिल्म्स का फोकस स्टार पर नहीं है बल्कि राइटिंग, परफॉर्मेंस और टेक्निक पर है। इनफैक्ट टेक्नीशियंस मलयालम फिल्म्स में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। महेश इंटे प्रतिकारम में उन्होंने एक साधारण आदमी का रोल निभाया जिसको पीटा जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा। पर इस बदले की कहानी में भी ओवर द टॉप ड्रामा या फिर एक्शन नहीं है, ये बदला भी बहुत रियल दिखता है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स और फॉर्मर टेक्नीशियंस हैं। ये बात हमें ग्रेट इंडियन किचन के डायरेक्टर ने भी बताई। द टाइम ऑफ ग्रेट इंडियन किचन आई एम टू मच वरीड अबाउट हु विल प्रोड्यूस दिस। नेवर कैन ए सो कॉल्ड प्रोडक्शन कंपनी नेवर प्रोड्यूस काइंड ऑफ मूवी लाइक ग्रेट इंडियन किचन। सो we started a production company with my friends. Director cinematographer Rajiv Ravi के हिसाब से ये एक अच्छी चीज है क्योंकि वो लोग फिल्म्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को अच्छी तरह जानते हैं। पर इस lack of commercialization के पीछे एक मेजर कारण ऑडियंस भी है। यह है किमकी डुक। आप में से कई लोग इनको जानते नहीं होंगे पर ये साउथ कोरिया के सबसे महान फिल्म मेकर्स में से एक है। जब वो 2013 में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए केरला आए थे, उनको लगा था कि कोई उनको पहचानेगा नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं। जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए, मानो पूरी भीड़ जमा हो गई। कई लोग उनका ऑटोग्राफ मांग रहे थे और दूसरे लोग सेल्फी, जो हमें दिखाता कि मलयालम ऑडियंस फिल्म की दुनिया में बहुत इंटरेस्टेड है। ये इसलिए है क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कोई नई चीज नहीं है। 1972 में अडूर गोपाला कृष्णन की मूवी आई थी स्वयंवरम, जो मानो एक गेम चेंजर थी। ये फिल्म दो मिडिल क्लास लोगों की कहानी है जो जिंदगी अपने खुद के टर्म्स पर जीना चाहते हैं। इसी समय पीए बक्कर, जॉन अब्राहम और अरविंदन मलयालम सिनेमा में और रियलिस्टिक फिल्म्स लेकर आए, जिसके बाद हमें ऐसी कई रियलिस्टिक मूवीज देखने को मिली, जैसे केजी जॉर्ज की स्वप्ना दानम या फिर भरतन की प्रणायम। इन फिल्म्स को मध्यवर्ती या फिर मिडिल ब्राउ सिनेमा कहा जाता था, जो आर्टिस्टिक मूवीज भी हैं और इसके अलावा कमर्शियल भी हो सकती हैं। 1980s था मोहनलाल और मनमूटी का एरा, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। पर लेट 1990s के बाद ये चेंज होने लगा। What happened to my Malayalam cinema? Where is it gone? Kind of thing. Because they wanted to compete with Telugu, they wanted to compete with Tamil cinema. They lost their grain. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मानो एक सुपर स्टारडम आ गया था। मोहनलाल और ममूटी ऐसे रोल्स में एक्ट करने लग गए जो बहुत मासी थे। पर 21वीं सदी में आते आते मोहनलाल के कई फैंस भी उनकी इमेज से बोर होने लगे, क्योंकि वो एक तरीके की सुपर स्टारडम फिल्म्स करने लग गए। कई फैंस ने बोला कि हमें हमारा पुराना लाल चाहिए, वो मोहनलाल जो 1980s में एक रिलेटेबल और साधारण आदमी की बातें करता था। ऑडियंस कंप्लेन करने लगी कि मलयालम फिल्म ज्यादा ही कमर्शियल और अनरियलिस्टिक हो रही है। इसके बाद ही कई मलयाली डायरेक्टर्स और एक्टर्स मसाला फिल्म से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनकी ऑडियंस को ऐसी मूवीज पसंद आएंगी ही नहीं।
और इसी एरा को कंटिन्यू किया मलयालम फिल्म्स के नए स्टार्स ने, दुलकर सलमान और फहद फासिल, जो केरला की यंग ऑडियंस को अपील करने लगे। मलयालम फिल्म ऑडियंस को आवाज मिलने के पीछे एक कारण था उधर की फिल्म सोसाइटीज। अब जहाँ दूसरी स्टेट्स में बस एलीट लोग ही फिल्म सोसाइटीज का भाग होते, केरला में ऐसा नहीं था। केरला में मासेस इन सोसाइटीज का भाग थी और इन फिल्म सोसाइटीज ने मलयाली ऑडियंस को एक चैनल दे दिया अपने ओपिनियन को आगे रखने का। केरला की ऑडियंस को फिल्म सोसाइटीज ने ही सपोर्ट नहीं किया बल्कि उधर की सरकार ने भी किया। 1970 से ही केरला सरकार मूवी प्रोडक्शन में सपोर्ट करने लगी। जैसे 1975 में केरला सरकार ने 50,000 रुपए की एक सब्सिडी दी उन मूवीज के लिए जो उधर प्रोड्यूस होती, तो 1978 में 126 मलयालम फिल्म्स में से 86 केरला में ही बनाई गई। अडूर गोपालकृष्णन, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने कहा कि केरला सरकार को उन्हीं मूवीज को सपोर्ट देना चाहिए जहां मानो मलयालम मिट्टी की एक सुगंध हो। 1998 में फिर केरला सरकार ने केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी सेटअप करी, जो देश में पहली ऐसी अकेडमी थी। इस अकेडमी को बनाया गया ताकि मूवीज के जरिए केरला में सोसाइटी को एजुकेट किया जा सके। आज ये अकेडमी कई बड़े फिल्म फेस्टिवल्स भी होस्ट करती है। और आज भी केरला सरकार फिल्म प्रोडक्शन में सब्सिडी देती है। 2019 में केरला सरकार ने अपने बजट में अनाउंस किया कि वो फीमेल फिल्म मेकर्स को 3 करोड़ रुपए देंगे। तो जब सरकार ही आपको लो कॉस्ट इक्विपमेंट और स्टूडियोज दे रही है फिल्म बनाने के लिए, तो कई यंग लोगों को एक मौका मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का। पर ऐसा भी नहीं है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। जो चीजें अच्छी है उस इंडस्ट्री के बारे में, वही चीज प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। ऐसे एक मेजर प्रॉब्लम है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अभी भी बहुत छोटी है, और उसके पीछे एक मेजर कारण है कि कई प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म मार्केट ही नहीं करते हैं। जब वो मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते तो फिल्म मानो मलयालीज के बाहर चली नहीं पाती। जैसे 2018 जो केरला फ्लड्स के बारे में थी, उसने 137 करोड़ रुपए कमाए, जहाँ 65 करोड़ केरला से आया, 64 ओवरसीज और बस 8 करोड़ इंडिया के दूसरे हिस्सों से। अब मलयालम फिल्म्स केरला में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और गल्फ मार्केट में भी जहाँ कई मलयालीज हैं, पर इंडिया के दूसरे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटर्स मलयालम फिल्म्स को इतना लेते नहीं है क्योंकि उनकी एक मासी अपील नहीं होती। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये परसेप्शन भी चेंज तभी होगा जब ऑडियंस को पता रहेगा मलयालम फिल्म्स के बारे में, पर उस चीज के लिए प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग करनी होगी। फिर एक और मुद्दा है कि मानो मलयालम फिल्म्स एक रियलिस्टिक चक्रव्यूह में फंस गई हैं, जहाँ वो बस रियलिस्टिक मूवीज ही बनाना जानते हैं। लियो हो, KGF 2 या फिर जेलर, ये सभी मूवीज केरला में मेगा हिट्स थी। लियो ने 32 करोड़ बनाए, KGF 2 ने 26 करोड़ और जेलर ने 23 करोड़, जबकि दुलकेर सलमान की किंग ऑफ कोठा ने बस 10 करोड़ बनाए, जो दिखाता है कि मलयाली ऑडियंस को रियलिस्टिक सिनेमा जरूर पसंद है पर उनको मासी फिल्म्स भी पसंद आती हैं। और कई मलयालम फिल्म एक्टर्स भी इस चीज को मानते हैं। बेसिकली അവർക്ക് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, നമ്മൾ ഭയങ്കര കഥയും കണ്ടന്റും മാത്രം പറയുന്ന ടൈപ്പ് പടം കാര്യമില്ല, റിയലിസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചിരിപ്പിക്കണം। कई साल पहले कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट भी बहुत कम थी, पर KGF और कंतारा ने इस चीज को बदल दिया। तो हो सकता है कि ज्यादा वैरायटी लाने से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का भी फायदा हो। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करना होगा, जहां वो अपनी यूनिक चीज रियलिस्टिक सिनेमा को खोए ना, पर फिगर आउट करें कि इस रियलिस्टिक सिनेमा को वो और मार्केट्स में कैसे पहुंचा सके जिससे उनका फायदा हो। देखो, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना मुझे किसी को जज करना चाहिए उनकी फिल्म चॉइसेस के लिए। तो अगर आपको लार्जर देन लाइफ मूवीज पसंद है तो वो एक अच्छी चीज है। सब लोग 300 रुपए की टिकट एक रियलिस्टिक फिल्म के लिए नहीं खरीदेंगे, ये उनकी चॉइस है। वो 12th फेल को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर देख लेंगे। पर हमें ये जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहाँ हर मेजर फिल्म इंडस्ट्री हमारे देश की सेम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला यूज कर रही है एक्शन और माचो कैरेक्टर्स की, हमारे देश में एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री भी है जो कई सीरियस इश्यूज के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो अगर आप भी रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं, आपको कोरियन या फिर ईरानियन फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट कुछ किलोमीटर दूर मलयालम फिल्म से ही कर सकते हैं। अगर सिनेमा में ऐसी वीडियो देखने तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, या मैंने बात करी थी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, एक्टर्स की फीस, जिसकी वजह से उधर की स्टोरीज कमजोर हो रही है, तो उस वीडियो को जरूर देखना।